नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज निम्स यूनिवर्सिटी ने नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन 2023 का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दिनेश माहेश्वरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में कानून के जानकार छात्रों ने भी अपना अनुभव साझा किया। निम्स के अलावा देश भर की 60 यूनिवर्सिटीज के छात्र छात्राओं ने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अपने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से लॉ के स्टूडेंट्स, प्यारे से बच्चे जिनको मैं बड़ी लॉ ल्यूमिनरीज बोलूंगा, जो आज विभिन्न यूनिवर्सिटियों से, जो देश की जानी मानी 60 यूनिवर्सिटियां हैं, उनसे आकर के एकत्रित हुए हैं। और जो कि बहुत कुछ होने था, बहुत कई दिन की जर्नी करी है, कुछ कई घंटे की जर्नी करी है, और उनके मन में आज मूट कोर्ट्स जो कि बहुत ही उच्चतम अपेक्स एक फंक्शन है, इसको देखने की इच्छा थी। उन सारे बच्चों का मेरी तरफ से, उनका नाम है बडिंग लॉ ल्यूमिनरी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि आज हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश इसलिए आगे बढ़ रहा है, आज देश का मैं विचार भ्रमण करता रहता हूं, और करते करते जहां भी किसी देश में जाता हूं, आज देश में चाहे मैं कहीं भी जाऊं, अगर जाता हूं तो मुझे कोई आदमी इसमें पूछता हो कि भाई आप भारतवर्ष में किसी को जानते हो, तो चाहे वो छोटा सा बच्चा भी होगा, चाहे वहां का छोटा सा कोई टेक्नीशियन भी होगा। और मैं ये भी बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि मैं चाइना जैसे कंट्री में भी गया, तो अगर वहां वो किसी को भी जानते हैं हमारे देश में और आदर से नाम लेते हैं, तो वह है हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जो लॉ प्रोफेशन में जो स्टूडेंट होते हैं, बहुत सीखते हैं मूट कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि उनका असेसमेंट होता है, लॉजिकल वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, डिसीजन देते समय जो लॉ पॉइंट है उसको ढंग से व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये मूट कोर्ट एक स्टडी का ही पार्ट है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और निम्स ने मिलकर के इसको आयोजित किया है। मैं बधाई भी देता हूँ तोमर साहब को, शुभकामनाएं भी देता हूँ, और जो बीसीआई के चेयरमैन है मिश्रा जी को भी। बहुत अच्छा कार्यक्रम, और 60 विश्वविद्यालयों से लड़के आए, भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर निम्स। सर, राजस्थान में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी के ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, ताकि होते रहने चाहिए। ये स्टडी का ही पार्ट है, ये लर्निंग प्रोसेस का ही पार्ट है, बहुत सीखते हैं लोग। और जहां तक मुझे याद है 1993 के बाद
राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का आयोजन आपने इस निम्स यूनिवर्सिटी में किया और निश्चित तौर पर इस आयोजन के अंदर जब मैं सभागृह में देखता हूं तो मुझे पूरे देश की संस्कृति दिखाई देती है। देश के विभिन्न हिस्सों से आकर यहां विद्यार्थी इस मूड कोर कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेंगे और निश्चित तौर पर इस प्रकार की प्रतियोगिता आने वाले समय के अंदर वो आधारशिला तैयार करती है, वो आधार तैयार करती है जिसके आधार पर हमारे आज के विद्यार्थी आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अपने कानूनी दलील देंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं इस आजादी के अमृत महोत्सव में इस कानून की पेचीदगियों को देखते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अर्जुन जी आपको, आपने कानून मंत्री बनने के पश्चात इस मुल्क में ऐसे 1600 कानून जिनकी कोई विशेष महत्व नहीं रहा, प्रासंगिकता समाप्त हो गई थी, उनको रिपील करने के लिए आपने इस बार संसद के अंदर जो बिल लेकर आए उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को, केंद्रीय मंत्री, और हमारे जो एक बुजुर्ग हैं, हमारे निम्स परिवार के बुजुर्ग हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए और बच्चों को आशीर्वचन दिया। इस जो मूट कोर्ट है उसकी मूल भावना ये है कि जो भी बच्चे निम्स विश्वविद्यालय से लॉ पढ़कर निकलते हैं उनको जो है संविधान की जो एक भावना है उसके अंतर्गत काम करना आना चाहिए। उनको ये आना चाहिए कि किस तरीके से एक लोकतंत्र काम करता है और किस तरह से लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार जनता पर ही राज करती है, और वो एक मूल भावना समझाना इस मूट कोर्ट का पहला जो है उद्देश्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मूट कोर्ट बच्चों में बडिंग एस्पायरेंट जो लॉ डिफेंडर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, उनको एक नई उनके अंदर एक नई नौ से मेघवाल साहब लगातार 3 बार लोकसभा सीट से चुनाव जीत के आ रहे हैं और देखिए इनके पास कार सरकार की कार थी, इसके बाद भी ये पार्लियामेंट साइकिल से जाते हैं। आपको शायद मना नहीं पता नहीं होगा, साइकिल से जाने वाले ऐसे सांसद हैं, मिनिस्टर हैं। सरकार ने इनको मना किया कि भाई आपकी सुरक्षा का सवाल है, आप साइकिल से न चले, तब जाकर के साइकिल उन्होंने मजबूरी में छोड़ी, लेकिन ये यूं हो सकते हैं। और राजस्थान की पगड़ी को सर में हमेशा सजाए रखने वाले माननीय अर्जुन राम मेघवाल तो काफी संघर्षों के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और यही नहीं 2013 में इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ऐसे हमारे माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, लुमिनरीज ऑफ लॉ, सब लोग खड़े होकर के हमारे डिग्निटीज का स्वागत करें, सब खड़े हो जाएं, स्वागत करें। ऐसे 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 उच्च लोग आए हुए हैं,
कहूंगा और उसके बाद भाषण को विराम दूंगा। मैंने आपको खड़ा क्यों किया बच्चों? इसलिए खड़ा किया कि बहुत बड़ा शब्द आपको बोल रहा हूं, लाइन बोलने जा रहा हूं। जब मैं एमडी पीडियाट्रिक्स एमबीबीएस की बात कर रहा था उस समय न तो मेल थी न ही टेलीग्राम चलते थे, चिट्ठी चलती थी। मेरा मन था, ये बात बड़ी याद रखेगा, मेरा मन था कि मैं हार्वर्ड जाके पढ़ू, उसके मैंने लगन करी और मैं हार्वर्ड पहुंच गया। तो ये इसलिए कहना चाहता हूं मेरे प्यारे लॉ बडिंग ल्यूमिनरीज, ये खड़े हो के आपने प्रण किया है, इतने डिग्निटी बैठे हुए हैं, उनमें आपको क्या बनना है या सोच लीजिए, आज से प्रण कीजिए। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।